हेलो एवरीवन, बारिश शुरू हो गई है और भुट्टे मिलने लगे हैं। भुट्टे यानी कि स्वीट कॉर्न, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं जबकि वो भुने हुए होते हैं। लेकिन भुट्टों को भुनना थोड़ा सा झंझट वाला काम होता है, क्योंकि अगर आप बड़े शहर में हैं तो वहाँ ना कोयला मिलेगा ना आग जलाने का। तो आज हम आपको भुट्टों को भुनना बताएंगे कुकर में बहुत ईजी तरीके से, और बहुत ही टेस्टी ये भुट्टे कुकर में भुन करके तैयार होते हैं। तो सबसे पहले हमें भुट्टों को छील लेना है और इनके ये जो रेशे हैं इन्हें निकाल देंगे। अब भुट्टों को हम दो दो टुकड़ों में कर लेंगे। अगर छोटे हैं तो पूरा पूरा रहने देंगे, या फिर दो या तीन टुकड़ों में कर लेंगे, क्योंकि इन्हें हम कुकर में बनाएंगे। तो हमें चाहिए एक कुकर, इसमें पहले हम ऑयल या फिर घी लगा करके ग्रीस कर लेंगे। और अब भुट्टों को डाल देंगे, जितने इसमें आएंगे उतने ही डालेंगे, तीन चार। अब हम लेंगे कॉटन का कपड़ा, यहाँ पे मैंने मलमल का कपड़ा लिया हुआ है। इसे हम 7 से 8 बार फोल्ड कर देंगे, मतलब कि हमें मोटा कपड़ा चाहिए। तो फिर आप कोई भी कॉटन का दुपट्टा या फिर किचन टॉवल ले सकते हैं, कोई भी पुराना कॉटन का कपड़ा हो। पहले उसे हमें पानी में भिगा देना है अच्छे से, और फिर पानी को हम निचोड़ देंगे। ध्यान दें, कपड़ा थोड़ा मोटा रहना चाहिए। अब इसको हम कुकर में डाल करके भुट्टे के ऊपर लगा देंगे अच्छे से। अब इसकी लीड लगा लेते हैं। अब गैस पे रख देते हैं और फ्लेम को हाई करेंगे। तो हमें पहले इन्हें हाई फ्लेम पे रखना है, और जब प्रेशर बन जाएगा कुकर में तो फ्लेम को हम बिल्कुल धीमा कर देंगे। अभी देखिए फ्लेम हाई है, प्रेशर बनने के बाद हम फ्लेम को धीमा कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे कुक करना है। तो जब तक एक सीटी ना आए तब तक हम इसे पकाएंगे। एक विसल आने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कुकर का प्रेशर अपने से निकलने देंगे। जब तक ठंडा हो रहा है कुकर, हम कुछ मसाले बना लेते हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच नमक लिया हुआ है, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। अब इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। ये मसाला बहुत ही टेस्टी होता है जब इन्हें हम भुट्टों पे लगा देते हैं, तो भुट्टों में बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा एक टेस्ट आता है। पूरा प्रेशर निकल जाने के बाद कुकर खोल के चलिए देख लेते हैं। अब कपड़े को हम हटाएंगे। देखिए भुट्टा हमारा बहुत ही अच्छे से भुन गया है, थोड़े से स्पॉट भी ऊपर आ गए हैं, बिल्कुल भी देखिए जला नहीं है, और अच्छे से अंदर से कुक भी हो गया है। अब हमें ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसी कुकर में हम बाकी बचे हुए भुट्टों को डाल करके कपड़े को फिर से भिगा करके निचोड़ करके लगाएंगे और लीड लगा करके रख देंगे। फिर से उन्हीं तरीके से हम भून लेंगे भुट्टों को। और जो भुट्टे हमने भुने हुए हैं उसमें हम मसाले लगाएंगे। तो नींबू को पहले हल्का सा दबाएंगे ताकि रस ऊपर आ जाए, और गरम गरम भुट्टों पे ही ये मसाले लगाएंगे। ये चटपटे से मसाले लगाने के बाद भुट्टों का टेस्ट डबल हो जाता है। तो लीजिए भुन करके तैयार है हमारा मज़ेदार ये भुट्टा। खाने में ये बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आपको भुट्टों का सोना सोना टेस्ट पसंद है, जैसे कि मार्केट वाले भुन करके देते हैं ठेले वाले, तो इन भुट्टों को आप थोड़ा सा इस तरीके से गैस की आँच दिखा दीजिए, तो ये ऊपर से अच्छे से सौंधे हो जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से भुनेंगे तो भुट्टे ऊपर से तो हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। लेकिन कुकर में भुनने के बाद अगर आप हल्का सा आँच दिखा देते हैं तो ये सौंधे भी हो जाएंगे और अंदर से पके भी रहेंगे। ये देखिए हमारा दाना एक एक कितने अच्छे से अंदर से पक गया है। और जिन्हें हमने आँच नहीं दिखाया है, सिर्फ कुकर में भुना हुआ है, वो भी देखिए अंदर से कितने अच्छे से पके हैं। तो लीजिए भून करके तैयार हो गया है हमारा ये स्वीट कॉर्न, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। बच्चों बड़ों सबको ये बहुत ही पसंद आता है। तो अब भुट्टे भुनने में बिल्कुल भी कोई भी झंझट नहीं लगेगा। आप कहीं भी रहिए, बड़े शहर या छोटे शहर, इन भुट्टों को आप बहुत ही आसानी से अपने घर में ही भून सकते हैं कुकर में। बहुत ही अच्छे से अंदर से कुक हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।